Bismillahirrahmanirrahim. In today's portion, the topic of discussion is macroevolution, the concept of species as well as speciation and its types. और अगर आपने कोर्स कंटेंट्स देखें तो ये macroevolution, other than इससे पहले हमने microevolution पढ़ा. Macroevolution is a part of your syllabus as well. और इसी में speciation की भी हम बात करेंगे. You know, macro versus micro evolution. You know, micro evolution is survival through inheritance of favorable characteristic, or its mutation selection within the species. जो थोड़ी बहुत modification आ रही होती हैं, और एक ही species की different breeds जो develop हो जाती हैं, that is micro evolution. जबकि macro evolution is a progression of biodiversity through geological time, speciation as well as extinction. इसमें large scale पे जो है वो evolution हो रहा होता है, large scale पे extinctions हो रही होती हैं. Macroevolution is the origin of new taxonomic groups, as opposed to microevolution. Microevolution में तो हम कहते हैं ना कि genetic variation within the same species या एक ही group के अंदर जो genetic variation है, जैसे beetles की different varieties दिखाई हैं, same ही group है almost. तो इसे हम बोल रहे होते हैं ये microevolution है. लेकिन जब new species कोई नया taxonomic group develop होता है, that is known as macroevolution. इसमें एक biological species concept, कि species क्या है? Species of group or population or group of populations whose members have potential to interbreed with one another and produce viable offsprings, but who cannot produce viable offsprings with other species. तो ये common concept है. इसके अलावा speciation वो process है बेटा, जिसके through new species develop होती हैं, new species का origin होता है. और दो basic processes हैं जिसके through speciation न्यू स्पीशीज बन सकती हैं. एक है एनाजेनेसिस, दैट इज अकमुलेशन ऑफ हेरिटेबल ट्रेट्स इन अ पॉपुलेशन दैट ट्रांसफॉर्म्स दैट पॉपुलेशन इनटू अ न्यू स्पीशी. कि एक स्पीशी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दूसरी स्पीशी में बिल्कुल मॉडिफाई हो जाती है और एग्जिस्ट नहीं करती, खत्म हो जाती है खुद. जबकि क्लेडोजेनेसिस में क्या होता है, ड्यूरिंग क्लेडोजेनेसिस इज अ ब्रांचिंग एवोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं इसमें ब्रांचिंग हुई है. In which a new species arises as a branch or form of the evolutionary tree, and the original species still exist. This process is called biological diversity. और इसी की वजह से जो है वो diversity बढ़ती है. ये जो second अगर example आप देखें cladogenesis की, तो cladogenesis में original species still exist कर रही होगी, लेकिन उसमें modification की वजह से आप देख सकते हैं with different tail as well as different color pattern. एक नई स्पीशी भी डेवलप हो जाती है. लेकिन एनाजेनेसिस में एक पुरानी स्पीशी मॉडिफाई हो जाएगी इनटू द न्यू स्पीशी और वो खुद एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी. फॉर अ न्यू स्पीशी टू बी फॉर्म देयर नीड्स टू बी आइसोलेशन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी एज अ सेपरेट पॉपुलेशन. क्या आइसोलेशन जरूरी है? और ये आइसोलेशन दो तरह की होती है, दो टाइम्स पे हो सकती है. एक है प्रीजाइगोटिक और दूसरी है पोस्ट जाइगोटिक. दो तरह के बैरियर्स होते हैं जो स्पेशिएशन की वजह हो सकते हैं. प्रीजाइगोटिक बैरियर आर दोस बैरियर व्हिच आर फॉर्मड और व्हिच आर रिस्पांसिबल बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. और पोस्ट जाइगोटिक नाम से पता चल रहा है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. प्रीजाइगोटिक बैरियर्स प्रिवेंट मेटिंग और एग फर्टिलाइजेशन इफ मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ट्राई टू मेट. फॉर एग्जांपल इसमें एक तो हैबिटेट आइसोलेशन होती है, दो स्पीशीज लिव डिफरेंट एरियाज में अगर रह रही हैं तो उनके मेटिंग के चांसेस ही नहीं है. बिहेवियरल आइसोलेशन होती है, सिग्नलिंग जो अट्रैक्ट कर रही होती है मेल फीमेल को, कोर्टशिप बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, वो डिफरेंस होता है डिफरेंट स्पीशीज का. इसके अलावा टेम्पोरल आइसोलेशन, टू स्पीशीज ब्रीड एट डिफरेंट टाइम्स, एक किसी एक टाइम पे डेट नाइट या फिर ब्रीडिंग सीजन उनके डिफरेंट होते हैं. मैकेनिकल आइसोलेशन, अगर क्लोज रिलेटेड स्पीशीज अटेम्प्ट भी करें मेट की, बट दे आर anatomically incomparable. For example, flowering plants with pollination barriers. Some plants are specific with respect to insect pollinator, often occurs with butterflies or moths. Others, they have air-blown pollination. तो ये बाज़ों का mechanical issues भी होते हैं, anatomical differences, mechanical differences. Gametic isolation, gamete के लिए जरूरी है कोई एक दूसरे को recognize करे ताकि fertilization हो जाए, तो ये भी एक pre-zygotic barrier है. अगर जाइगोट फॉर्मेशन हो भी जाए तो पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स क्या हो सकते हैं? रिड्यूस्ड हाइब्रिड वायबिलिटी.
जैसे म्यूल के केस में हम जानते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज को ब्रीड तो करवा लेते हैं, जायगोट फॉर्मेशन तो हो जाती है, डेवलपमेंट भी हो जाती है, लेकिन वो हाइब्रिड वायबिलिटी जो है उसकी एक तो काम है, और हाइब्रिड विगर प्रोड्यूस होती है, रिड्यूस्ड हाइब्रिड फर्टिलिटी, वो फर्टाइल नहीं होते ऑर्गेनिज्म जैसे स्टीराइल हाइब्रिड की यहाँ पे बात की गई है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड्स आर फर्टाइल बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन, फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कॉटन, तो ये ब्रेकडाउन भी हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में उनकी. द प्रॉब्लम विद द आइडिया ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट, हाउ डू यू गेट ऑर्गेनिज्म टू ब्रीड टू सी वेदर वायबल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड और नॉट. एक है अल्टरनेटिव स्पीशी कॉन्सेप्ट, मतलब एक दो आपने पढ़ा, इसके अलावा भी कुछ स्पीशी कॉन्सेप्ट्स हैं, मसलन एक हम इसमें पढ़ेंगे इकोलॉजिकल स्पीशी. स्पीशीज आर डिफाइंड बाय द यूज ऑफ देयर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, देयर इकोलॉजिकल निच, मसलन स्पीशीज दैट आर डिफाइंड बाय देयर फूड सोर्स सच एज बटरफ्लाइज विद सर्टेन फ्लावर्स. तो इकोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट में एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को कंसिडर किया जाता है. पीएजी प्लुरलिस्टिक स्पीशी कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एज अ स्पीशी वेरी, दीज फैक्टर्स इंक्लूड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, नॉट बीइंग इन द सेम एरिया सो मेटिंग इज प्रीक्लूडेड, तो इसमें इन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है. फिर मॉर्फोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट में यूनिक सेट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को बेस बनाया जा सकता है. जीनोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट रिकग्नाइज स्पीशीज, दे आर द सेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद यूनिक जेनेटिक हिस्ट्रीज, तो इस बेस पे स्पीशीज बनाई जा सकती है. फिर अगर नई स्पीशीज किसी जगह पे डेवलप होती हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज नाउन एज स्पेशिएशन. और स्पेशिएशन के हम फोर टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं, एलोपेट्रिक, पेरिपेट्रिक, पैरापेट्रिक एंड सिंपेट्रिक. देखिए ओरिजिनल पॉपुलेशन यहाँ पे शोन है सभी सेम कलर में. इनिशियल स्टेप अगर एलोपेट्रिक है तो उसमें बैरियर आएगा, पहले आइसोलेशन होगी बैरियर के थ्रू, उसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगी क्योंकि वो स्पीशीज बैरियर की वजह से अलग अलग रह रही हैं एलोपेट्रिक केस में, और फिर न्यू डिस्टिंक्ट स्पीशीज डेवलप हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो पहली वाली ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट होगी. जबकि पेरिपेट्रिक में क्या होगा, न्यू निच एंटर हो जाती है किसी पॉपुलेशन में और वहां पर जाके वो नए फीचर्स डेवलप कर लेती है एस्केप करके, आइसोलेटेड फॉर्म में, आइसोलेटेड हैबिटेट में, आइसोलेटेड निच की फॉर्म में. पेरिपेट्रिक में क्या होगा, न्यू निच यहाँ पे एग्जिट कर रही है, यहाँ पे न्यू निच एंटर होगी, ये देखिए इस पॉपुलेशन के अंदर ऐड हो रहे हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, और विद इन दैट पॉपुलेशन जो है वो एडजेसेंट निच बिल्ड कर लिए उन्होंने, नए जो है वो पॉपुलेशन एंटर हुई है उसने एडजेसेंट निच डेवलप कर ली है. जबकि सिंपेट्रिक में जेनेटिक पोलीमॉर्फिज्म की वजह से एक पॉपुलेशन के अंदर रहते हुए ही कोई नई स्पीशी डेवलप हो सकती है. इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. लाइक स्पेशिएशन का प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज विच आर जेनेटिकली इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ जेनेटिकली होमोजीनियस पॉपुलेशन इनटू टू और मोर पॉपुलेशंस दैट अंडरगो जेनेटिक डिफरेंशिएशन एंड इवेंचुअल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज कॉल्ड स्पेशिएशन. यानी कि एक नई फॉर्म का बिल्ट हो जाना. द एंटायर कोर्स ऑफ एवोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन ऑफ न्यू पॉपुलेशंस एंड स्पेशिएशन अकर्स इन टू वेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्डर स्पीशीज इंटू न्यू स्पीशीज ओवर टाइम, जिसे हमने पढ़ा भी एनाजेनेसिस के नाम से, और स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल स्पीशी इंटू सेवरल, दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्पीशी, जिसे हमने क्लैडोजेनेसिस के बारे में अभी डिस्कस किया, क्लैडोजेनेसिस पढ़ा. सो स्पेशिएशन की कॉजेज क्या हो सकती है, एक तो है नेचुरल सिलेक्शन, कोई बैरियर आया नेचुरली डिवेलप हो गया, कोई माउंटेन सेपरेशन होगी किसी आप कह लें कि अर्थक्वेक की वजह से, तो बैरियर एक नेचुरल कॉज है आपके लिए बिल्ट होना. इस तरह जेनेटिक ड्रिफ्ट आपने पढ़ा, सिलेक्शन ऑफ सर्टेन जीन्स, सर्टेन जेनेटिक मेकअप फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट. सैम्पलिंग एरर की वजह से, कि बॉटलनेक इफेक्ट पढ़ा था आपने, और एक और इफेक्ट इसमें डिस्कस किया था हमने, फाउंडर्स इफेक्ट. दोनों केसेस में कुछ सेलेक्टिव जीन्स आगे चले जाते हैं और फिर एक नई स्पीशीज है उसमें बिल्ट होने के चांसेस है. इसके अलावा माइग्रेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, ये भी समटाइम न्यू स्पीशी की फॉर्मेशन की वजह होती है. और इसके साथ साथ नेचुरल कॉजेज समटाइम इम्पोज बाय एनवायरमेंट लाइक रिवर और अ माउंटेन रेंज, और ये हमने पहले भी नेचुरल कॉजेज की बात की कि ये भी सोर्स हो सकते हैं.
जीन फ्लो का रिड्यूस हो जाना, यानी सेपरेट हो जाना स्पीशीज का एक दूसरे के साथ स्लोली एंड स्टेडीली. जब जीरो चांस ऑफ मेटिंग होगा तो फिर वो स्पीशीज क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सेपरेटली बिहेव करेंगी. तो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन की पहले बात कर लेते. इज अ मोड ऑफ स्पेशिएशन विच द ओरिजिनल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू बाय अ बैरियर रिजल्टिंग इन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ये देखिए बैरियर जब बन जाता है दरमियान में तो इसे बोलते हैं एलोपैट्रिक. मायर ने ये रिप्रेजेंट किया था मॉडल एलोपैट्रिक स्पेशिएशन का. And it is based on the concept that new species arise when some physical, geographical barrier divides a large population of a species into two groups. And the individual of these isolated populations are वापस में breed नहीं कर पाएंगे, physically isolated हो गए हैं. मतलब ocean की वजह से, mountains, glaciers, deep river valleys. And each isolated population starts to adapt to the separate environment. कहा जाता है कि हमारी ज़मीन जो पूरी की पूरी है, land masses सारे के सारे continents इकट्ठे थे. In the form of a single land mass, Pangaea, in the past. फिर बाद में जब उनमें continental जो drifting हुई, ऐसा ऐसा drifting हुई तो दरमियान में बाज़ जगह पे oceans develop हुए, बाज़ जगह पे mountains develop हुई. उससे भी speciation में इजाफा हुआ. Each isolated population starts to adapt to their separated environment while accumulating defenses and evolving independently into two species. Motorways का build हो जाना किसी forest के दरमियान में, जिसपे बिल्कुल सेपरेशन हो जाए, मुकम्मल सेपरेशन हो जाए, उससे भी ये बैरियर बिल्ट हो सकता है कि रोड्स क्रॉस करना ही पॉसिबल नहीं है, उसके गिर्द जंगला लगा दिया गया, बैरियर है पूरा वो. सो फॉर स्पेशिएशन इवन टू बी कंसीडर्ड एलोपैट्रिक, जीन फ्लो बिटवीन द सून टू बी स्पीशीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, बट इट डज नॉट हैव टू बी एंटायरली रिड्यूस्ड टू जीरो. अगर थोड़ा सा भी बैरियर आ गया है, उसमें सेपरेशन हो गई है, तो इस बात के चांसेस होंगे कि न्यू स्पीशीज बिल्ट हो जाए. एग्जाम्पल्स की डिस्कस की गई है. Allopatric speciation of squirrels in the Grand Canyon area, animals like birds do not show speciation like those animals that are barred from breeding by the canyon. Yahan pe ek barrier show kiya gaya hai, geographical barrier. The population may become allopatric agar usme koi separation ho jaye koi se population ki. To iske sath second type hai peripatric speciation. Peripatric speciation is a special type of condition of allopatric speciation which occurs when the size of the isolated subpopulation is small. You see? In this case, in addition to the geographical separation, genetic drift also plays an important genetic role. The small isolated population, jise hum deem bhi kehte hain, might carry, agar within the same population to se hum deem bhi bolte hain, might carry rare genes. Aisa ho sakta hai ki A to Z certain genes se usme Z to bahut hi rare tha. तो जो पॉपुलेशन सेपरेट है उसके पास जी जीन्स से, रेयर जीन्स से, उन्होंने आपस में ब्रीड किया और वहां पे वो जीन ज्यादा कॉमन हो गई. एज अ रिजल्ट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द न्यू रीजन एंड्स अप हैविंग द रेयर जीन्स एंड डेवलप्स अ सेपरेट पॉपुलेशन, सेपरेट फॉर्म. इसकी एग्जांपल में ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स की एग्जांपल है, जो मल्टी कलर है, पेट्रोइका मल्टी कलर, एंड लंडर अंडरग्राउंड मॉस्किटो, अ वेरियंट ऑफ द मॉस्किटो क्यूलेक्स पाइपेंस, which entered in the London underground in the 19th century as the example of peripatric speciation. Iske alawa parapatric speciation kya hai? Is a mode of speciation which there is no extrinsic barrier. Koi barrier nahi hai, but the large geographic range of the population causes the individual to mate with the neighboring individuals than with the individuals in a different part of the geographic range. Jaise yahan pe dekhiye कि न्यू निच एंटर हो जाए किसी पॉपुलेशन के अंदर. इन दिस केस द पॉपुलेशन इज कंटीन्यूअस बट द पॉपुलेशन डजंट मेट रैंडमली, सिलेक्टिव मेटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी. हेंस द जेनेटिक वेरिएशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड जीन फ्लो एंड विद इन द पॉपुलेशन एंड वेरिंग सिलेक्शन प्रेशर अक्रॉस द पॉपुलेशन रेंज. दिस पॉपुलेशन दिस अकर्स इन अ पॉपुलेशन व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिक रेंज. दस द इंडिविजुअल्स इन द फार वेस्ट रीजन, for example, cannot mate with the individual in the far east region. To separation ki wajah se, aap kehne ki large geographic range ki wajah se, unmein ye separation develop ho sakti hai. Grass species hai, for example, Anthoxanthum odoratum, where some species living near the mine have become tolerant to heavy metals. Mining industries, jahan mining ho rahi hoti hai, wo heavy metals ke against tolerant hai.
But because the plants are close together, they could fertilize each other and result in a few in a new species. इसके अलावा फिर sympatric speciation is the process of formation of new species from an original population that are not geographically isolated, बल्कि एक population के अंदर ही, within the population ही, अगर genetic polymorphism develop हो, तो वहाँ पे नया group develop होना शुरू हो जाता है. That's known as speciation. Exploiting a new niche might automatically reduce the gene flow within the individuals. तो इसकी causes usually genetic होती है. For example, maggot flies में जो 200 years ago laid eggs and bred only on hawthorns, but now lay eggs on the both hawthorns and domestic apples. दोनों तरह के apples पे वो egg laying शुरू कर दी उन्होंने. तो same population के अंदर genetic variation की वजह से भी speciation हो सकती है. So it was the fourth cause, fourth type. I hope so कि इसके हवाले से कुछ आपको आइडिया होगा कि macro evolution में main purpose होता है new species का develop हो जाना, और new species इन फोर वेज से डेवलप हो सकती है. एलोपैट्रिक, सिंपैट्रिक, पेरिपैट्रिक एंड पैरापैट्रिक स्पेशिएशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग.